अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से होंगे, अल्लाह करे आप सब खैरियत से और आप सब पे अल्लाह की रहमत हो। और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ लोग परेशान हालते हैं, सबकी परेशानियाँ दूर करे, मुश्किलें दूर करे, सबकी दिली ख्वाहिशें दूर करे और सबको हलाल रोज़ी अधिक सता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए अच्छी दुआओं के साथ में, मैं आज बना रही हूँ मोमोज, चिकन मोमोज और चटनी। ठीक है, तो मोमोज़ का पहले हम आटा लगाते हैं, बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे, मैं तो थोड़ा ही बनाऊँगी, एक बॉल मैंने मैदा ली हूँ, बस तेल डालूँगी, देख सकते हैं, एक स्पून हल्का सा सॉल्ट डालूँगी और इसको मैं चिल वाटर से आटा घुल लूँगी। हल्का सा ये बर्फ़ के पानी से मैं आटे को घुल लूँगी, ज़्यादा ये नहीं करना है हमको, ना इसका आटा ज़्यादा सख्त रहेगा ना ज़्यादा ये, जैसा हमारा गेहूं का रोटी का आटा होता है ना, नॉर्मल ऐसे रहेगा, पतला नहीं करना है, टाइट ही आटा रखना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा मोमोज का आटा लग चुका है। बस इसी तरीके से मैं भी अब आपको बताती हूँ बाद में पूरा प्रोसीजर इसका। चलो मैंने आपको अभी बताई मोमोज का आटा लगाने के लिए, अभी हम मोमोज की फिलिंग बताते हैं। जिसके लिए देख सकते हैं आपने, मैंने यहाँ पे चिकन के कीमे को एकदम पानी निकाल के और एक टिश्यू पेपर पर रख के एक ड्राई कर ली एकदम, क्योंकि उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये कीमा है और ये लहसुन है जो मैंने काटी हूँ, ये जाएगा मोमोज़ की चटनी के अंदर, बघार के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और ये जाएगा मोमोज़ के अंदर। ठीक है, इसके अंदर देखिए, ये मैंने डाल दी कैरेट, ये कैबिज, पत्ता गोभी, गाजर, हरी प्याज और एक दो हरी मिर्ची, और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, सोया सॉस, अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हल्का सा सोया सॉस आपको बताती हूँ बस, और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर विनीगर, हल्का सा मैंने विनीगर डाल दी, विनीगर डाली, अब विनीगर के बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस। देख सकते हैं ये डार्क सोया सॉस है, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, हल्का सा डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाल दी इसके अंदर, नमक, सोया सॉस सब डालने के बाद में अब हम कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करके इसका मैं अलग बना के आपको सब बता दी हूँ, इसको भी हमको रख देना है एक साइड पे। ठीक है ना, आपकी मर्जी, अगर आप चिकन का नहीं खाते तो वेज बनाए और उसी के अंदर यही फिलिंग के अंदर आप पनीर डाल दें। ठीक है ना, तो नॉन वेज के जगह वेज मोमोज बन जाएगा। पनीर भी नहीं डालना है तो फुल वेजिटेबल, कैप्सिकम, कैरेट, गाजर, यही सब डाल के भी आप बना सकते हैं। अब ये मैं फिलिंग साइड में रख देती हूँ। ये हमारी है मोमोज की चटनी, जिसके लिए मैंने एक टमाटर ली हूँ और दो ये कश्मीरी मिर्ची है और तीन से चार रेड तीखी वाली मिर्ची है, जिसको अभी मैं पानी बॉइल हो रहा है मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। ये डाल देना है और इसको बॉईल करके ले लूँगी मैं, टमाटे का छिलका निकल जाएगा, बस इसी तरीके से टमाटे भी हमको कट करके डाल देना है और ये बॉईल हो जाएगा तो इसको बस ठंडा करके कुछ नहीं डालना है, इसको पीस लूँगी, फिर उसके बाद में चटनी बघारने के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ क्या डालना है हमको। ठीक है, और मैं इसमें आपको बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ, ये हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और क्योंकि ड्राई होता है ना चिकन का कीमा, जिसके अंदर मैं डालूँगी बस ये एक चम्मच ऑयल, जिससे क्या होगा अंदर हमारी फिलिंग ड्राई नहीं रहेगी, है ना, जो कीमा ड्राई ड्राई लग रहा था ना वो अब ड्राई नहीं होगा और थोड़ा सा अंदर खाने में फिलिंग हमारे को अच्छी लगेगी। आप भी बनाएं। चलिए चटनी का हो गया है, मैं पीस के लेके आती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये बॉईल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखो, ये इसके स्किन है ना टमाटे के ऊपर की, ये हमको निकाल देना है, क्यों बस, और इसको मैं अभी पीस लेती हूँ, इसमें कुछ नहीं डालना है, बाद में मैं बघारने का आपको बताती हूँ। अच्छा सॉरी, मुझे ऐसा लगा वीडियो चालू है करके, पर मैंने देखी वीडियो नहीं चालू था, जो मैंने आपको अभी चटनी पीसने का बताई ना, तो उसके अंदर मैंने क्या करी, ऑयल
ऑयल डाली हूँ और लहसुन डाली चॉप करके। जैसे ही लहसुन हो गए तो मैंने ये पिसी हुई खाली चटनी डाली हूँ इसके अंदर, और ये एक स्पून भर के केचप डाली हूँ इसमें मैंने, और एक पिंच ब्लैक पेपर डाली हूँ और सोया सॉस डाली हूँ। ठीक है, ये अभी आपके सामने ही हो रही है। अब इसमें मैं डाल दूंगी हल्की सी शुगर। मुझे ऐसा लगा वीडियो चालू है पर वीडियो बंद था। बस शुगर डालने से खट्टा मिट्टा बैलेंस होता है एक मोमोज की चटनी में, जो अच्छा लगता है हमें। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मिक्सी में पानी है ना जो हमने पीसे, बस वही पानी में थोड़ा सा धो के इसमें डाल दूंगी, जिसमें हमने टमाटे और वो एक चिली करे थे। बस अब ये हमारी मोमोज की चटनी बन के रेडी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डाल दूंगी इसके अंदर नमक। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये चटनी बन के हमारी देख सकते, कोई मैंने कलर नहीं डाली हूँ इसके अंदर। जो हमने काश्मीरी मिर्ची डाले थे उसका खुद इतना अच्छा प्यारा कलर आया है ये मोमोज की चटनी का। अभी मैं कर दूंगी इसको बंद और इसको मैं निकाल देती हूँ अभी एक बॉल के अंदर। चल, गैस को मैं कर दी बंद और मोमोज की चटनी को हम कर देंगे सर। देख सकते हैं आप लोग, मैं आपके सामने ही निकाल के आपको बताती हूँ चटनी मोमोज की, इतना प्यारा कलर आया है। ये देख सकते हैं आप, मोमोज की चटनी बनके तैयार है और मैं आपको अभी मोमोज का बताती हूँ। आइए देखिए, मैंने अभी आपको चटनी का बता दी। ये देखिए मोमोज का आटा, 10 से 15 मिनट हो गए हमको लगा के रखे हमने, ये देखिए है ना। आइए देख सकते हैं आप, मेरा किचन एकदम साफ और क्लीन है। अब मैं इसको क्या करूँगी, कर लूँगी मिक्स। आटे को अच्छे से मसल लें, देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से मसल ली हूँ। अब इसके हम मोमोज के लिए छोटे छोटे से पेड़े काटेंगे, बहुत छोटे छोटे से लें, ज़्यादा बड़े नहीं लें। देख सकते हैं आप लोग, मैंने बहुत कम आटा ली थी फिर भी उसके अंदर 10 से 11 मोमोज हमारे बन गए। देखिए इतनी लोई होना चाहिए हमारी छोटी छोटी। ठीक है, मैं सब लोई को ढक के रख दूंगी क्योंकि वापस हवा नहीं लगे, और फिर मैं आपको बेल के बताती। अब आजू में मैंने पानी भी रख के छन्नी रख दी हूँ स्टीमर के लिए, देख सकते हैं आप लोग। चले ये देखें, ये मोमोज का हमको बेल लेना है एकदम हल्के हल्के हाथ से, देख सकते हैं आप लोग। ये हल्के हाथ से ऐसे बेल लेना है हमको, और इसके अंदर मैं अब करूँगी फिलिंग जो मैं आपको बता। देखते हैं, हमको एकदम साइड से किनारे से कर लेना है, बेल लेना है ये ट्रांसफार्मर से हमारे मोमोज हो जाए, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अभी मैं भरूँगी इसके अंदर मोमोज की फिलिंग। देखिए मैंने भर दी मोमोज की फिलिंग, आप लोग को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये जो लेके हमको बस इसी तरीके से मोमोज के बनाना है। ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत से ट्रांसफार्मर से होते हैं मोमोज, आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके मोमोज कैसे बने हैं। ठीक है, ये देखिए है ना, बस इसी तरीके से मैं सब मोमोज बनाऊंगी ट्रांसफार्मर से। अगर आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा और आप बेल सकते हैं इसको, मैं और आपको बता देती हूँ। अगर नहीं है तो सब में इजी तरीके से देखें, ये इस तरीके से ले, हाँ इस तरीके से देखें, हम साड़ी की मीरी कैसे डालते हैं, बस इस तरीके से लेके मोमोज को हमको
बनाना है। ये देखें, मैं आपको एकदम अच्छे से बता रही हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, ये देख सकते हैं आप लोग। मोमोज बनाना कोई ये नहीं है, एकदम इजी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हम सारे मोमोज बना लेते हैं। मोमोज की शेप ज़रूरी नहीं है, मोमोज के अंदर जो फिलिंग होती है उसका टेस्ट और मेन इसकी चटनी की है कि नहीं अच्छी बनना चाहिए। डिज़ाइन और शेप तो हमारे ऊपर होता है, हम चाहे जैसी भी बनाए, हमारी मर्जी। ये देखें, ये मैं भी आपको बता देती हूँ, जैसा करंजी जैसा बनाते हैं ना हम लोग, इस तरीके से देखें, इसको ला के ऐसा फोल्ड कर दें। ये देखें, इधर किनारे दबा के और फिर हमको देख सकते हैं अपने मोमोज। तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से बनाना चाहे, ये देख सकते, इस तरीके से भी हम मोमोज बना सकते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर होता है। ज़रूरी नहीं है कि मोमोज का शेप ही अच्छा आना चाहिए। आपकी मर्जी, आपको जैसा बनाना है जैसा खाना है, खाली इतना ध्यान रखें कि इसके अंदर की फिलिंग अच्छी होनी चाहिए और चटनी अच्छी होनी चाहिए मोमोज की। ये देखिए, ये ऐसा लिए हमने, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लेके, और हमको अगर आपको इस तरीके से, मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता रही हूँ। ये देखें, ये देखें, मैंने दो से तीन तरीके से आपको बता दी मोमोज, आपकी मर्ज़ी आपको जैसा बनाना है। ये देखें, है ना। और मैं बता देती हूँ, शायद आपको आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए, और बता देती हूँ आपको। ये हमने ली फिलिंग, ये भर दी इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा है, एक उठाना है हमको इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से, फिर इसको ऐसा इस तरीके से, बस हमें जैसा साड़ी की फोल्ड करते हैं ना हम, औरतों को तो साड़ी तो पहनने सबको आती है ना, बस ये समझो कि हम साड़ी की मीरी डाल रहे हैं, और ये हिस्से को उठा के फिर इसके साथ में जॉइंट कर दें इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे मोमोज की शेप बन जाएगी। मैं बोली ना, आपके ऊपर है, आप चाहे जैसी बनाएं, आपकी मर्जी। और इसको दबा दें, ट्रांसफार्मर हो जाए ना स्टीम होने के बाद में। चलो अभी मैं आपको एक और है मेरा बना के, फिर स्टीम करने का मैं बता देती हूँ आपको। देख सकते हैं, मैंने आपको तीन से चार तरीके से बता दी मोमोज डिज़ाइन बनाना, आपकी मर्ज़ी आप जैसा ही बनाएं। आइए देखिए, मैंने स्टीम रख दी हूँ, आपको बताती हूँ अभी। मैं स्टीमर रख दी हूँ मैंने, और अब हम रखते हैं मोमोज को स्टीम करने के लिए, ठीक है। आइए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, स्टीमर रख दी हूँ मैंने, पानी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। अब हमको क्या करना है, नीचे पानी बॉईल आएगा, इसको ऐसे नहीं रखना है ना, हमको ब्रश कर लेना है हल्का सा, जिससे हमारे मोमोज चिटके भी नहीं और ट्रांसफार्मर हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से अब हमें मोमोज को 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है, और दूर दूर रखें, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद में एक दूसरे से चिटके नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह, देख सकते हैं। चलो अब मैं इसको क्या करूँगी, ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के बाद, मैं फिर आपको बताती हूँ। चलो आइए देखते हैं, 10 से 12 मिनट हो गया, अब मैं गैस को कर दी हूँ बंद, ये देख सकते हैं, है ना। अब मैं इसको एक दो मिनट ठंडा होने देती हूँ, फिर आपको प्लेटिंग करके मैं बताती हूँ मोमोज की कितने से अच्छे हो गए। देखे मोमोज, माशाल्लाह, मैं 10 मिनट खाली रखी हूँ बस, देख सकते हैं आप लोग कितने ट्रांसफार्मर से मोमोज बन के हमारे रेडी है, और इतने सॉफ्ट और जूसी। मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी अंदर से, देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे बने, माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे
बताइएगा कि आपके मोमोज कैसे बने, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे बन के रेडी है मोमोज, ये देखिए, है ना। और ये है हमारी मोमोज की चटनी, और ये है हमारे मोमोज। ये देखिए चटनी भी कितनी ट्रांसफर और कितनी अच्छी बनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। देखिए गाइस, बन गए हमारे चिकन मोमोज। अब देख सकते हैं कितने ट्रांसफार्मर और कितने अच्छे से बन गए। और यहाँ पे मैंने एक प्याज की पत्ती को रफली ना चॉप कर दी हूँ, जो हम डालेंगे मोमोज के ऊपर गार्निशिंग के लिए, क्योंकि जब तक का हमारी चीज़ कोई गार्निशिंग नहीं होती तो वो हमें खाने में अच्छी नहीं। खाना हमेशा आँखों को अच्छा लगना चाहिए, है ना। अब मुझे तो क्या मालूम खाना कैसा ही बनेगा ना, पहला मुझे गार्निशिंग करूँगी, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पहली बात तो। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे चिकन मोमोज बन के तैयार है, ये देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी मेरी आज की रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक से, तो मुझे ऐसा होता है मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपी बनाऊं, ठीक है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। और मैं तोड़ के भी आपको बताती हूँ मोमोज के, मोमोज हमारे देख सकते हैं आप लोग कितने ट्रांसफॉर्मर मोमोज है। ये देखिए कितना बेटर सॉफ्ट मोमोज है। आप ऐसा ले, ये देखें ये प्यारी चटनी के साथ में आप खाएं, मज़ा आ जाएगा। बहुत मस्त बने, आप लोग भी ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।